काम है अगर कोई इन अधम के कामों से अपनी समृद्धि करता है, अधम के कामों से साफ पैसा कमाता है या इज्जत कमाता है या अपनी पोजीशन लेता है या कोई बड़ा पद लेता है, तो वो ऐसा आदमी ना प्रज्ञावान है, ना सीलवान है, ना वो धम्मिक है। ये अधर्म के लोग हैं, अधम फैलाने वाले हैं, अधम को जानने वाले हैं, अधम को मानने वाले हैं। और अधम की जो गति है वो अधोगति होती है। अधोगति का मतलब है कि वो जीवन भर उनका परिवार और सैकड़ों बार उनका परिवार यानी सैकड़ों जन्म तक उनका परिवार अवीची नरक में रहता है। अवीची नरक उसको बोलते हैं जहां की वेदनाएं इतनी तीव्र होती हैं जो कष्टदायक होती हैं। आदिन दाना वीरमणि सिखाप दिंग स्मादियानी आदिन दाना वीरमणि सिखाप दिंग स्मादियानी। धम्मपद गाथा कथा नंबर 84 पंडित वग्गो। ये जो कथा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये जैतवन में एक ग्रस्त में एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी थी। उसके मन में धम्म को जानने की इच्छा जागी और वो भिक्खु बनना चाहता था। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं गर्भ से हूँ, गर्भ का मतलब गर्भ से हूँ, जब बच्चा हो जाए तो आप चले जाना। पत्नी ने इजाज़त नहीं दी तो वो नहीं गया, क्योंकि धम्म का नियम है कि अगर पत्नी इजाज़त ना दे, 3 बार इजाज़त लेनी पड़ती है पत्नी से या माता पिता से जिनके अधीन वो होता है। अगर वो इजाज़त दे देंगे तभी भिक्खु बनेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भिक्खु बनता है तो वो धम्म नहीं पा सकता। उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि उसने कुछ छोड़ा है। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ के गए रात में, ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी पत्नी से और पूरे परिवार से बाकायदा परमिशन लेके इजाज़त लेके गए। और छन्न नाम का जो उनका सारथी था यानी जो घोड़ा चलाता था, उनका बचपन का सखा था, वो उनके साथ गया। वो घोड़े पे बाकायदा गए, सब लोगों ने उनको विदा किया। ये नियम है कि अगर कोई अध्ययन करेगा यानी स्वयं का अध्ययन करेगा तो अध्ययन जब हो सकता है जब उसका मन बिल्कुल साफ हो। अगर मन में कोई पाप क्रम है, कोई दुष्क्रम है या कोई पछतावा है तो वो धम्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता, उसका मन शांत नहीं रहेगा। तो उस जो ग्रस्त था उसने कहा ठीक है, जब उसका बच्चा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया और वो खाने पीने लगा तो उसने फिर पत्नी से इजाजत मांगी। पति ने कहा ठीक है आप जाओ और धम्म को सीखो। धम्म के सीखने की लालसा बहुत ज्यादा थी। धम्म में गया, भिक्खु बना और भिक्खु बन के वो पूरी मेहनत के साथ में अर्हत हो गया। अर्हत सबसे बड़ी डिग्री होती है किसी एक आदमी के लिए। अर्हत के बाद में सिर्फ एक फल को पकने का इंतजार किया जाता है, क्योंकि सब कुछ देख चुका होता है आदमी, फिर दुख नहीं आता उसके पास में, अनंत सुख आता है, परम सुख आता है। उसके बाद उसने सोचा कि मैं जो मेरी पत्नी है, क्योंकि अर्हत होने के बाद तो पत्नी रहती नहीं है, और अर्हत होने के बाद में कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ में रह नहीं सकता, अगर रहेगा तो मर जाएगा, क्योंकि शुद्ध होता है मन, उसके अंदर कोई इच्छा होती नहीं है। और घर जाएगा तो पत्नी की इच्छा हो सकती है, पुत्र की इच्छा हो सकती है, पति की इच्छा हो सकती है, परिवार की इच्छा हो सकती है, तो वो पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसके अंदर की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। तो वो भिक्खु के रूप में वहां जाता है, वहां पिंडपात करता है, धम्म का ज्ञान देता है। धम्म के बाद में वो जो उसकी पत्नी है स्वतःपन्न हो जाती है, फिर वो भी भिक्खुनी बन जाती है और अर्हत बन जाती है मेहनत करके। उनका जो पुत्र है, पुत्र भी स्वतःपन्न हो जाता है, वो भी अर्हत बन जाता है। इस तरह तीनों का ही वहां कल्याण हो जाता है, तीनों ही अर्हत बन जाते हैं। ये बड़ी कमाल की बात होती है कि किसी परिवार में सबके सब अर्हत हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं। जो सिद्धार्थ गौतम का परिवार था, भगवान बुद्ध का जो परिवार था, उसमें तो सारे ही लोग धम्म में आ गए थे। उनकी माता भी जिन्होंने पाला, उनकी पत्नी भी, उनका बेटा भी, उनके भाई सारे जितने भी थे वो सभी, और कपिलवस्तु के अधिकतर लोग धम्म में आके मुक्त हो गए। ये उस समय की बात थी जब धम्म सिखाने वाले भगवान बुद्ध हुआ करते थे, उसका असर भी जल्दी होता था। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा नंबर 84। न अत हेतु न परस्य हेतु। न अत हेतु, अत माने अपना और हेतु माने लिए, यानी कारण ही अपने लिए। तो ना ही अपने लिए, परस्य का मतलब है पर इस यानी पर के लिए, ना ही दूसरों के लिए, परस्य हेतु दूसरों के लिए। न पुत्तमिच्छे न धनंग न रट्ठंग। न पुत्तमिच्छे मतलब पुत्तमिच्छे का मतलब पुत्र इच्छा है, इसका मतलब पुत्र इच्छे। ना ही तो पुत्र की इच्छा है होती है, ना ही धनंग की, ना ही धनंग और ना ही रट्ठंग। रट्ठंग माने राज्य, जमीन जायदाद, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये रट्ठंग में आती हैं। और धनंग में आती है जमीन जायदाद खेती बाड़ी, सारी ये धनंग में आती हैं। यानी कि ना तो पुत्र की इच्छा है उसे, ना ही धन की इच्छा है, ना ही राष्ट्र की इच्छा है, जमीन की इच्छा है। न इच्छे अधम्मे समिद्ध मत्नो। न इच्छे अधम्मे समिद्ध मत्नो, और ना ही उसकी
अधम से, यानी अधमेन, अधमेन का मतलब है अधम के द्वारा, यानी कि ना ही उसकी अधम के द्वारा समृद्ध होने की इच्छा है। समृद्ध होने की इच्छा है मतलब अधम के द्वारा कोई काम करे और उसमें वो समृद्धि हासिल करे, जिसको समाज के अंदर बोला जाता है। से सीलवा पंयवा धम्मिको सिया, वह से माने वह, सीलवा मतलब सीलवान होता है, पंयवा मतलब प्रज्ञावान होता है, और धम्मिको मतलब धम्मिका, यानी जो धम्मिक होता है, धार्मिक होता है, धम्मवान होता है। ये इस गाथा का, कथा का नाम है। यानी इस कथा में और गाथा में ये बताया गया है, गाथा के अंदर, कि सीलवान कौन होता है, पंयवान कौन होता है और धम्मवान कौन होता है। जो अपने लिए और जो दूसरों के लिए, धम पुत्र का, पुत्री का, जमीन का, जायदाद का, पैसे का, राज्य का कोई भी काम ना करे और ना ही कोई अधम से कोई समृद्धि करे, ऐसे व्यक्ति पंयावान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं और धम्मिक होते हैं। इसमें जो एक शब्द है जो इसके अंदर आता है, अधम के द्वारा समृद्धि, इसको समझें कि अधम के द्वारा समृद्धि क्या होता है। क्योंकि अधम के द्वारा जो समृद्धि है वो आता है सम्यक आजीविका से, यानी कि सम्यक आजीविका में अगर आप अष्टांगिक मार्ग में पढ़ेंगे सम्यक आजीविका वाला, तो वही ये सूत्र एक तरह से है। अधम से समृद्धि का मतलब है कि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, जो सबको लाभ नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको दे रहा है या आपके परिवार को दे रहा है या आपके मोहल्ले को दे रहा है, या हो सकता है कि आपके जिले को दे रखा हो या आपके राज्य को हो, मगर वो पूरी दुनिया के लिए लाभदायक नहीं है, तो वो अधम का काम है। बहुत सारे काम होते हैं अधम के, जैसे शराब का बनाना, नशीले पदार्थों का बेचना, उसमें सहयोग करना, उसकी बेचने की इजाज़त देना, उसको पीना, उसको पिलाना, किसी को उकसाना, किसी को उसकी आदत लगानी नशे की, या किसी को चोरी के लिए मजबूर करना, उसका इतना शोषण करना, इतना उसका छीनना, या किसी की जो मजदूरी है, मेहनत है, वो उसकी मेहनत मजदूरी के हिसाब से कम देना या फ्री में काम कराना, उसको चोरी करने के लिए, खाने के लिए मजबूर करना, या किसी को हत्या के लिए उकसाना, हत्या के लिए मजबूर करना, या पैसे दे के हत्या कराना, या हत्या के लिए मन तैयार करना, या आत्महत्या के लिए मन को तैयार करना, या आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी को व्यभिचार के लिए उकसाना या व्यभिचार के लिए तैयार करना, या व्यभिचार की सामग्रियां देना, या व्यभिचार को टीवी पर देना, या व्यभिचार को मोबाइल पर देना, या व्यभिचार को रेडियो पर बताना, या व्यभिचार का जिक्र करना या उसकी चर्चा करना, व्यभिचार के लिए उकसाना या व्यभिचार कराना या करना, किसी को बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें बनाने की परमिशन देना, या इसको बनाना, या इसको सहयोग करना, या इसका बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट देना, या ये दिखाना कि देखो ये कितनी बढ़िया चीज़ है, ऐसा उकसाना मन में, या जानवर को काट कर बेच कर खाना, या जानवर को काटने के लिए, मारने के लिए पालना, या उसको काटने के लिए लेके जाना, या उसको काटना, या उसका पैसा रखना, या उसकी आमदनी अपने घर में लेके आना, या उसकी आमदनी से अपने बच्चों को बढ़ाना, या मिथ्या आचरण करना, मिथ्या आचरण करना या रिश्वत लेना। मिथ्या आचरण में बहुत सारे आचरण आते हैं, जैसे जो कहा है वो नहीं किया, जो किया वो कहा नहीं, ये सारे मिथ्या आचरण में आते हैं। जो मिथ्या आचरण में सबसे खतरनाक होता है कि मिथ्या उपदेश देना, यानी कि जो व्यक्ति उपदेश दे रहा है, जो व्यक्ति बात को कर रहा है, वो झूठ बता रहा है और झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको उस मिथ्या आचरण में लेके जा रहा है, उनको झूठा बना रहा है, उनको झूठे आश्वासन दे रहा है, ये मिथ्या आचरण में आता है। तो ये सारे जो अधम के काम है, अगर कोई इन अधम के कामों से अपनी समृद्धि करता है, अधम के कामों से पैसा कमाता है या इज्जत कमाता है या अपनी पोजीशन लेता है या कोई बड़ा पद लेता है, तो वो ऐसा आदमी ना प्रज्ञावान है, ना सीलवान है, ना वो धम्मिक है, ये अधर्म के लोग हैं, अधम फैलाने वाले हैं, अधम को जानने वाले हैं, अधम को मानने वाले हैं, और अधम की जो गति है वो अधोगति होती है। अधोगति का मतलब है कि वो जीवन भर उनका परिवार और सैकड़ों बार उनका परिवार, यानी सैकड़ों जन्म तक उनका परिवार अविची नरक में रहता है। अविची नरक उसको बोलते हैं जहाँ की वेदनाएं इतनी तीव्र होती हैं, जो कष्टदायक होती हैं, जैसे किसी ने चाकू मार दिया उस समय जो वेदनाएं आती हैं, या किसी ने गला दबा दिया वेदनाएं आती हैं, या किसी ने आग में जला दिया जो वेदनाएं आती हैं, या किसी ने जख्मों पर नमक लगा दिया इस तरह की जो वेदनाएं आती हैं, या किसी ने अंग काट के ऐसे छोड़ दिए खुले उसकी जो वेदनाएं आती हैं, या पेट में अल्सर हो गया उसकी वेदनाएं आती हैं, या कैंसर की वेदनाएं आती हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की वेदनाएं आती हैं, या ट्यूमर होने की वेदना आती हैं, या शरीर जब बीमार होता है उसकी वेदना आती हैं, तो ये
पाप से जो धन कमाते हैं, अधम से जो समृद्धि करते हैं, अपने घर भरते हैं या पैसा लेके आते हैं किसी भी अधम से, उनके परिवारों की और उनकी खुद की बहुत बहुत सालों तक, बहुत जन्मों तक, ऐसा बुद्ध ने बताया, नरक और अविचि नरक में जिंदगी रहती है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.